क्या हो अगर हम कहें कि दिल की बीमारी बच्चों को भी हो सकती है? जी हाँ, वो मासूम बच्चे जिन्हें हम भागते दौड़ते खेलते कूदते देखते हैं, उनमें भी ये समस्या हो सकती है। और यही नहीं, कुछ बच्चे तो इस बीमारी के साथ जन्म ही लेते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, तो सुनिए, आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ बुजुर्ग या वयस्क ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग दिल की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के आंकड़ों के अनुसार हर साल हृदय रोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ वयस्क ही नहीं, कम उम्र के लोग भी तेजी से इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों में युवा लोगों में हार्ट अटैक के मामले हर साल 2% की दर से बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि हमें बचपन से ही हृदय स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ बच्चे जन्म से ही दिल से जुड़ी समस्याओं के साथ पैदा होते हैं। इसे जन्मजात हृदय दोष कहा जाता है। इनमें से कुछ मामलों में ये समस्या हल्की होती है जिसका इलाज आसान होता है, लेकिन कई बार ये इतनी जटिल हो जाती है कि सर्जरी तक की जरूरत पड़ती है। कैसे हम पहचानें कि हमारे बच्चे को दिल से जुड़ी कोई समस्या है? तो इसके लिए मान लीजिए, अगर आपका बच्चा खेलते वक्त जल्दी थक जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर बिना किसी वजह के बेहोश हो जाता है, तो ये हल्के लक्षण नहीं है। ऐसे संकेत दिल की बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों के होठों के आसपास नीले निशान दिखाई देने लगते हैं या शरीर की विकास दर धीमी हो जाती है। बच्चों में इस गंभीर बीमारी का सबसे बड़ा कारण मोटापा होता है। अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। इसके अलावा जंक फूड से बच्चों को जितना दूर रखा जाए उतना ही बेहतर। अगर आपके बच्चे में कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। और सबसे जरूरी बात, जन्म के समय ही बच्चे के दिल की जांच जरूर कराएं। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। बच्चों में हृदय रोग से जुड़ी बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अब एक बड़ा कदम उठाया है। खबरों के अनुसार लखनऊ में बनने वाला ये पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर होगा। पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर एक ऐसा विशेष चिकित्सालय या विभाग होता है जो विशेष रूप से बच्चों के हृदय रोगों का निदान और उपचार करता है। ये केंद्र नवजात शिशुओं से लेकर किशोरों तक सभी उम्र के बच्चों के लिए हृदय संबंधी समस्याओं के लिए समर्पित होते हैं। इसके तहत एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में 575 बेड्स के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ 22 विभागों की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें हार्मोन्स, डायबिटीज पीडियाट्रिक, ICU, इमरजेंसी पीडियाट्रिक, जेनेटिक पीडियाट्रिक, न्यूरोलॉजी समेत अन्य बीमारियों का इलाज एक छत के नीचे होगा। CM योगी ने कहा कि सलोनी हार्ट सेंटर के पहले चरण की शुरुआत हो गई है, वही सेंटर के दूसरे चरण का MOU साइन हो गया है। इसके जरिए सलोनी हार्ट सेंटर 200 बेड की विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हर साल 5000 बच्चों की हार्ट से जुड़ी हुई गंभीर सर्जरी कर उन्हें सुखमय जीवन देगा। साथ ही हर साल 10000 बच्चों को सेकंड ओपिनियन आदि उपलब्ध कराएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।